हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप सभी काफी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ अपडेट शेयर करने वाले हैं ट्रोन एंड कैडानो के बारे में। ट्रोन के बारे में काफी लोगों की रिक्वेस्ट थी, हर वीडियो के नीचे कमेंट्स आ रहे थे कि ट्रोन के ऊपर अपडेट लाई जाए कि क्या इनका मार्केट के अंदर चल रहा है। रिसेंटली इन्होंने 9 मिलियन टोकन्स बर्न किए हैं, तो उसके ऊपर भी अपडेट है कि मार्केट के अंदर 10 से 15% प्राइस इनका पंप भी हुआ है। एंड आने वाले टाइम में हमें क्या अपडेट्स देखने को मिल सकती है। साथ साथ कैडानो का आने वाले टाइम में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च हो रहा है, एंड इसी के साथ साथ कैडानो का हार्ड फोक भी आ रहा है, तो उसके बारे में बात करेंगे। कितना प्राइस स्पाइक अप हमें दोनों के प्राइसेस के अंदर देखने को मिल सकता है, आपको चार्ट्स के अकॉर्डिंग भी बताएंगे, न्यूज़ भी बताएंगे, तो मेक श्योर आप इस वीडियो का एंड तक पूरा देखिएगा। इस वीडियो के एंड में हम आपके साथ एक गिवअवे भी शेयर करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रोन के बारे में। तो ट्रोन के सीईओ जस्टिन सन, आपको पता है काफी बड़ी कम्युनिटी है इनकी। अगर इनके ट्विटर फॉलोअर्स की बात करें तो 3 मिलियन के आसपास फॉलोअर्स हैं। उनके चार पांच प्रोजेक्ट है, जैसे कि विंक, बिटोरेंट, जस्ट सन एंड ट्रोन। अगर हम ट्रोन की बात करें तो काफी लेटेस्ट अपडेट इनके बारे में आ रही है। 1.1 बिलियन ट्रांजेक्शन जो है एक पीक इनका बन चुका है, जो कि काफी बड़ी बात है। एंड इसी के साथ साथ 6,21,000 न्यू अकाउंट्स बने हैं एक दिन के अंदर, नया रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है ट्रोन ने। एंड इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो 9 मिलियन टोकन जो इन्होंने बर्न किया है, रिकॉर्ड हाई, एक नया रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है 9 मिलियन टोकन बर्न करके। तो कुछ अपडेट्स हमें मार्केट के अंदर ट्रोन के बारे में देखने को मिल रही है। सो इससे हमें पता लगता है कि बैक एंड पे ट्रोन इकोसिस्टम काफी ज्यादा ग्रो रहा है, और आपको पता होगा हम काफी ज्यादा यूज भी कर सकते हैं ट्रोन को, क्योंकि हम अगर कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो हम इथीरियम से ज्यादा प्रेफर करते हैं कि अगर हम यूएसडीटी किसी को भेज रहे हैं तो आपने देखा होगा ट्रोन की ब्लॉकचेन का आप यूज कर सकते हो, TRC20, जिसमें हमारी ट्रांजेक्शन फीस बहुत ही ज्यादा कम लगती है एंड इसकी स्पीड भी काफी ज्यादा है। 2000 ट्रांजेक्शन पर सेकंड ये करता है ट्रोन की अगर हम बात करें तो। काफी ज्यादा ब्लॉकचेन जो है इनकी स्ट्रॉन्ग हैंड, धीरे धीरे काफी ज्यादा ग्रो भी कर रही है। एंड जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इनके ऊपर नए लॉन्च पैड्स भी आ रहे हैं, तो जैसे कि ट्रोन पैड आया था उसकी काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही। एंड आने वाले टाइम में हम और लॉन्च पैड या और प्रोजेक्ट्स जो है ट्रोन की ब्लॉकचेन के ऊपर देख सकते हैं। तो जैसे जैसे प्रोजेक्ट्स इसके ऊपर आएंगे वैसे वैसे इनका इकोसिस्टम ग्रो होगा और टोकन बर्न करेंगे, तो यहाँ पे इनकी डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई कम होगी, तो वो भी हमें वहां पे प्राइस स्पाइकअप देखने को मिल सकता है। जैसे कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि अगर लॉन्ग टर्म के अंदर मेरे अकॉर्डिंग ट्रोन एक अच्छा कॉइन है काफी ज्यादा, क्योंकि अगर हम इसकी मार्केट कैप कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट 5 बिलियन के आसपास की मार्केट कैप है, जबकि ये बहुत पुराना कॉइन है। अगर हम बात करें जब बायनास कॉइन आया था, बायनास एक्सचेंज आया था, तभी उसके आसपास हमें ट्रोन भी देखने को मिला था। तो काफी पुराना है, रिलायबल ब्लॉकचेन है इनकी, रिलायबल प्रोजेक्ट है, पर जैसे जैसे ये प्रोजेक्ट ग्रो करेगा वैसे वैसे हमें काफी अच्छा प्राइस का स्पाइकअप देखने को मिल सकता है। और दूसरे प्रोजेक्ट्स जो कि रिसेंटली लॉन्च हुए हैं, उनको सपोज करो 6 महीने हुए, 8 महीने हुए, उनकी मार्केट कैप भी 5 बिलियन, 10 बिलियन या 15 बिलियन से ऊपर पहुंच चुकी है। तो मेरी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग यहाँ से 5x 10x इजिली जा सकता है अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के अंदर होल्ड करते हो। ऐसा नहीं होगा कि एक महीना आपने होल्ड किया और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 10x दे देगा, नहीं। अगर लॉन्ग टर्म में आप इसको होल्ड करते हो, जैसे कि मैंने काफी अच्छी क्वांटिटी के अंदर ट्रोन को इनको होल्ड किया और मेरा फेवरेट कॉइन है, क्योंकि काफी बार हमने इसमें से काफी अच्छा प्रॉफिट भी निकाला है। और अगर हम चार्ट्स के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पे हमें हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने को मिल रहा है, जो कि एक पॉजिटिव पैटर्न होता है, और उसके बाद हमें मार्केट के अंदर अच्छा पंप भी देखने को मिलता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस दिख रही होगी आपको बॉक्स के अंदर, तो इसके ऊपर भी एक क्लोजिंग हो चुकी है, लेकिन एक नेगेटिव चीज यहाँ पे लगी मुझे, जो कि वॉल्यूम यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कम है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे वॉल्यूम कंपेयर करो तो काफी ज्यादा कम वॉल्यूम है अभी के टाइम में यहाँ पे, और जैसे जैसे वॉल्यूम अगर ग्रो होती है उसके बाद हमें इसके ऊपर ब्रेकआउट देखने को मिलता है, तो प्राइस के अंदर हम अच्छा प्राइस स्पाइकअप देख सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम ट्रोन BTC की बात करें तो यहाँ पे हमें फॉलिंग वेज देखने को मिल रहा है, जिसको भी ब्रेकआउट किया है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है, लेकिन सेम वॉल्यूम की अभी कमी है। जैसे जैसे वॉल्यूम इंक्रीज होगी, मार्केट के अंदर नया पैसा आएगा, हम इसके अंदर अच्छा प्राइस स्पाइकअप देख सकते हैं। अगर आपने 150 सतोशी के आसपास बाई किया तो आप अच्छे प्रॉफिट पे आप थोड़ा और होल्ड कर सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग इसका प्राइस इजिली 225 से 250 सतोशी तक जा सकता है आने वाले टाइम में, जैसे जैसे मार्केट रिकवर होगी। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हो तो आपके लिए एक अच्छा कॉइन हो सकता है, जिसको आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर रख सकते हो। जैसे कि मैंने भी इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखा हुआ है, और मैं इसको ट्रेड नहीं करता हूँ शॉर्ट टर्म बेसिस पे कि आज बेचा कल खरीद लिया फिर वापस बेच दिया। आप इसको थोड़ा लंबे टाइम के लिए होल्ड कर सकते हो। बाकी अगर आप ट्रोन के बारे में और जानकारी लेना चाहते हो तो हमने ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो इसके ऊपर बना रखी है, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कैडानो की, तो कैडानो का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च आ रहा है, एंड इसी के साथ साथ एलेंजो हार्ड फोर्क भी हमें देखने को मिलेगा मिड ऑफ अगस्त के अंदर। तो जैसे ही इसके दो हार्ड फोर्क आने थे, मैरी एंड एलेंजो,
मैरी जो है वो ऑलरेडी मार्च के अंदर रिलीज हो गया था, उसके आसपास हमें काफी प्राइस स्पाइक अप देखने को मिला था। ऑलमोस्ट मैरी हार्डफोक आने से पहले हमें 2x प्राइस के अंदर पंप देखने को मिला था, और वैसे ही एलेंजो हार्डफोक के आसपास जो कि मिड ऑफ अगस्त या फिर एंड ऑफ अगस्त पे आ सकता है, उसके साथ साथ ही ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी लॉन्च कर देंगे। तो काफी ज्यादा हाइप इसके मार्केट के अंदर क्रिएट हो रही है। इसी के साथ साथ ग्रे स्केल का आपको पता होगा कि उन्होंने थर्ड लार्जेस्ट जो कैप है, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, वो कार्डानो के अंदर कर रखी है, यानी कि फर्स्ट नंबर पे बिटकॉइन, सेकंड पे इथेरियम एंड थर्ड नंबर पे इन्होंने कार्डानो को रखा हुआ है। बाकी चार्लिस हॉकिंसन जो कि इनके सीईओ है, इन्होंने अपनी एक वीडियो के अंदर बोला था कि ये खुद का स्टेबल कॉइन्स भी लाने वाले हैं जो कि डीजेड स्टेबल कॉइन होगा। उसके आने के बाद एंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आने के बाद कार्डानो एक काफी अच्छा ग्रो हो सकता है, इसके प्राइस के अंदर भी हमें पंप देखने को मिल सकता है। बट अभी के टाइम में मुझे थोड़ा सा ओवरवैल्यूड लगता है। अगर मैं ट्रोन से कंपेयर करूं इनको, तो ट्रोन मुझे थोड़ा ज्यादा बेटर लगता है कंपेयर टू कार्डानो। बट एज इसकी न्यूज है काफी बड़ी मार्केट के अंदर, तो न्यूज के चलते इसकी हाइप क्रिएट हो सकती है और इसके प्राइस के अंदर हमें पंप देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें कार्डानो यूएसडी चार्ट की, तो यहाँ पे हमें एक सेम रेंज के अंदर इसका प्राइस देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट $1 से लेके $1.4 तक इसका प्राइस चल रहा है। तो जैसे ही इस रेंज को ब्रेक करेगा, हम इसलिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसका प्राइस $2.2 तक चला जाए, यानी कि यहां से 30-40% पंप हमें देखने को मिल सकता है। गुड एंट्री आपकी रहेगी $1.2 या फिर $1.25 के आसपास, आप एक अच्छी एंट्री इसके अंदर ले सकते हो। और जैसे जैसे अगर ये डिप में आए, तो आप थोड़ी और पोजीशन इसके अंदर बना सकते हो। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 30-40% प्रॉफिट जब तक इनका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च होगा मिड ऑफ सेप्टेम्बर तक, हमें इसके अंदर प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। और जो मैं आपको पहले बता रहा था, जो कि इसका पहले हार्ड फोक आया था मार्च के अंदर, मैरी हार्ड फोक, उसके आसपास आप देख सकते हैं यहाँ पे 1st of March को हमें हार्ड फोक देखने को मिला था, और उसके पहले प्राइस के अंदर हमें हैवी स्पाइक अप देखने को मिला था। तो सेम हाइप अगर इस बार भी बनती है, तो हमें अच्छा स्पाइक अप देखने को मिल सकता है। एंड अगर हम BTC चार्ट की बात करें, तो जब पूरी मार्केट क्रैश हुई थी, बिटकॉइन का प्राइस क्रैश हुआ था मई के अंदर, तब ये वापस अच्छी रिकवरी हमें इसके अंदर देखने को मिली थी, लेकिन अभी वापस ड्रॉप देखने को मिला है। तो यहां से भी हमें थोड़ी रिकवरी देखने को मिल सकती है। और दोनों लार्ज कैप कॉइन है ट्रोन एंड कार्डानो, अगर यहां पे BTC थोड़ा सा स्टेबल होता है $42,000 के ऊपर, तो हमें दोनों के प्राइस के अंदर अच्छा स्पाइक अप देखने को मिल सकता है। ट्रोन को आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो, कार्डानो भी एक अच्छा कॉइन है। अगर आप कुछ और कंफ्यूजन हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हो। एंड इसी के साथ साथ इस वीडियो के ऊपर 500 लाइक्स का टारगेट है, अगर आप 500 लाइक्स पूरे कर देते हो, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना TRX का एड्रेस देना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम विनर चूज करेंगे, जिसको 300 TRX कॉइन गिव अवे में मिलने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप किसी और कॉइन के बारे में डिटेल जानना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर हमें बता सकते हैं। अगर आपने हमारा टेलीग्राम अभी तक ज्वाइन नहीं किया, तो मेक श्योर हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।